गिरिराज सिंह का यह बयान कि नीतीश कुमार जैसे लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, हम समझते हैं कि राजनीतिक का अभी भी इनको पॉलिटिकल पॉलिटिक्स का पी का पता आता पता नहीं। गिरिराज सिंह जैसे लोग इस देश में जोड़ने की बात नहीं करते हैं। गिरिराज इस वैसे लोग इस तरह की घटना की हम जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। देखिए ये लोग निकृष्ट लोग हैं, इन लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के अलावा इनका कोई नहीं है। और प्रशासन पूरी तरह से सजग होकर वैसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई कर रहा है। जो व्यक्ति 24 घंटा जगजग करके ये प्रदेश महफूज रहे, ये प्रदेश में कैसे अमन चैन कायम हो, अपने पार्टी के नेताओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेकर आरजेडी के नेताओं तक को रात के 2-2 बजे तक फोन करके ये बात कहना कि आप सजग रहिए, आप वहां पर माहौल को अपने हिसाब से देख करके और प्रशासन को मदद कीजिए, वैसे व्यक्ति के ऊपर ऐसा आरोप लगाना और 17 साल में कोई घटना नहीं हुई इस प्रदेश में, किस तरह के धर्म का उद्भव हुआ है? बुद्ध भी यहीं पैदा हुए, महावीर भी यहीं पैदा हुए, सम्राट अशोक भी यहीं पैदा हुए। देखिए ये लोग निकृष्ट लोग हैं, इन लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के अलावा इनका कोई नहीं है। जो भी इस तरह की घटना हुई है, चाहे हिंदू धर्म के प्रति, मुसलमान धर्म के प्रति, ये जितना इसकी निंदा की जाए उतना कम है। जो लोग इस देश में धर्म के नाम पर बवाल पैदा करने की कोशिश करते हैं और उसका राजनीतिक लाभ किसको होता है, कहीं भी अगर हिंदू मुस्लिम की घटना हुई उसका राजनीतिक लाभ किस पार्टी को होता है? जो लोग ये कहते हैं कि फलना पार्टी ने और फलना नेता ने ऐसा करवाया है, उनकी भावना क्यों होगी? क्योंकि हम तो जीवन भर प्यार बांटने में और जोड़ने की बात करने में लगे हुए हैं, तो हमें इस तरह का काम करने से क्या फायदा है? फायदा तो वो इस तरह के काम करवाने का प्रयास करते हैं जिनको राजनीतिक इससे फायदा होता है। इसीलिए गिरिराज सिंह जैसे लोग इस देश में जोड़ने की बात नहीं करते हैं। गिरिराज इस वैसे लोग इस तरह की घटना की हम जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। और प्रशासन पूरी तरह से सजग होकर वैसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई कर रहा है, लेकिन गिरिराज सिंह का यह बयान कि नीतीश कुमार जैसे लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, हम समझते हैं कि राजनीतिक का अभी भी इनको पॉलिटिकल पॉलिटिक्स का पी का पता आता पता नहीं है। जो व्यक्ति 24 घंटा जगजग करके ये प्रदेश महफूज रहे, ये प्रदेश में कैसे अमन चैन कायम हो, अपने पार्टी के नेताओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेकर आरजेडी के नेताओं तक को रात के 2-2 बजे तक फोन करके ये बात कहना कि आप सजग रहिए, आप वहां पर माहौल को अपने हिसाब से देख करके और प्रशासन को मदद कीजिए, वैसे व्यक्ति के ऊपर ऐसा आरोप लगाना और 17 साल में कोई घटना नहीं हुई इस प्रदेश में, नक्सलिज्म को जिस व्यक्ति ने खत्म करने का प्रयास किया और खत्म किया, वैसे लोगों पर ये तरह का आरोप लगाना, तो यही है कि ये लोग किसी भी तरह से इस प्रदेश को फिर से हिंदू मुस्लिम के बवाल में फंसाना चाहते हैं और प्रदेश को जो अमन चैन के साथ ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है, 10.98 के ये विकास दर से जो प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसको किसी तरह से प्रदेश को कब्जा में करना, किसी तरह से ऐसा माहौल पैदा करना कि हिंदू की भावनाओं को भड़काना, फिर से कहीं दंगा पैदा करा देना भावना भड़का करके, उसी में ये लोग लगे हुए हैं जिससे कि इनको फायदा मिल जाए राजनीतिक। लेकिन प्रदेश के लोगों को पता है कि यह प्रदेश में किस तरह के धर्म का उद्भव हुआ है। बुद्ध भी यहीं पैदा हुए, महावीर भी यहीं पैदा हुए, सम्राट अशोक भी यहीं पैदा हुए। इसीलिए इस तरह की चीजों से और गिरिराज जी जैसे लोगों से अब प्रदेश भी और देश भी उब चुका है।